गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज विज्ञान में हम अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर का आखिरी भाग पढ़ेंगे और आज हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, आप लोग अपनी कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर नोट कर लेंगे। अभी तक जितने भी प्रश्न उत्तर इसके दिए गए हैं वो सभी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है। तो रेशम के कीट मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ चुके ही हैं हम कि इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। और कक्षा 7वीं में हमने पढ़ा था कि रेशम के कीट के जीवन चक्र का किस तरह से प्रक्रिया संभव होती है। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने में अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इसके बारे में अध्याय 9 में हम पढ़ चुके हैं। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं, जैसा कि चित्र 9.10 में कहा गया है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायरॉइड द्वारा स्त्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। इसके लिए क्या जरूरी है? आयोडीन की मात्रा, वो भी किसके अंदर मौजूद होना चाहिए? जल के अंदर। अब हम पढ़ेंगे जननात्मक स्वास्थ्य। व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिक स्वच्छता और सफाई का नियमित रूप से पालन और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोर अवस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और अधिक आवश्यक हो जाती हैं कि किशोर की पोषण आवश्यकताएं क्या है। तो किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। इसमें वृद्धि भी जल्दी होती है और विकास भी। तो अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उन्हें सही पोषण सही आहार मिलना बहुत ही जरूरी है। आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। याद कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है कि भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वसा विटामिन खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी दाल सब्जी ये सब मौजूद होते हैं और ये क्या बनाते हैं? एक संतुलित आहार बनाते हैं। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। दूध को लेना दूध को पीना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो किशोर अवस्था में पहुँचते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं उन्हें दूध का सेवन करना चाहिए। फल भी हमें पोषण देते हैं इसलिए हमें फल भी खाना चाहिए। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। लोह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करते हैं खून का निर्माण करते हैं। लोह तत्व प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़ मांस संतरा आंवला आदि में मौजूद होता है तो किशोरों के लिए ये सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ भी है। अपने दोपहर और रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की भी जांच कीजिए, क्या यह संतुलित भोजन है, इससे आपको पोषण मिलता है। तो इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें से हो सकते हैं दूध मांस नट दालें भी शामिल हों जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। क्या इसमें वसा एवं शक्कर की मात्रा होती है? वे भी शामिल होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो फल और सब्जियां क्या स्थान है? जो रक्षी भोजन है चिप्स पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट तो होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। इससे हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता है इसलिए हमें इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्त्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्त्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्त्राव के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब आता है शारीरिक व्यायाम।
ताज़ी हवा में टहलना, खेलना, शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखना, सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना चाहिए। इसके अलावा नशीली दवाओं ड्रग्स का निषेध करें। किशोर अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धिकाल का एक सामान्य भाग है। भ्रमित और असुरक्षित ना किसी को महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा और तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा दी गई हो। वो दवा डॉक्टर द्वारा दी गई हो तभी उस दवा का आपको सेवन करना चाहिए, और ड्रग्स नशीले पदार्थ से दूर रहना चाहिए। जिनकी लत पड़ जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल से दूर होती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें किस क्या करना पड़ता है, बार बार लेने की इच्छा होती है, इसलिए इन सब दवाओं से बचना चाहिए। परंतु कालांतर में यह हानिकारक है, यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देता है। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सिरिंज द्वारा भी पहुँच जाता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों से, जैसे पीड़ित रोगी माँ के दूध द्वारा उसके शिशु को में भी हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने के द्वारा भी हो सकता है। तो जितना हो सके इन रोगों से हमें बचना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। तो आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है, समझना है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है।